हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन तो अब हमें क्लास एलेवेंथ का सीरीज़ यहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास एलेवंथ के न्यू सेशंस 2022 एंड 2023 के लिए अब हमारी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं कल हमने पहली क्लास इस सेशन की स्टार्ट की थी जिसमें जो बच्चे हमारे पास आए उनके लिए हमने इसका चैप्टर नंबर टू स्टार्ट किया है ना जिसका नाम है यूनिट डायमेंशनस एंड मेज़रमेंट चैप्टर नंबर टू है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट ठीक ना आज बैड वेदर कंडीशन के कारण इस चैप्टर को हम मैं क्लास नंबर वन को फिर से रीशूट कर रहा हूँ रीटेक कर रहा हूँ जैसे कि जो नए स्टूडेंट हमारे पास जुड़े हैं उनको फिर से इस चैप्टर में एक प्रॉपर ग्रिप मिल सके ठीक है तो अब आप मे बी कुछ सवाल आपके मन में है बच्चों की हम चैप्टर नंबर वन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर वन फिजिक्स का जो है उसका नाम है फिज़िकल वर्ल्ड क्या नाम है बेटा फिज़िकल वर्ल्ड हम एन बुक थ्रू आउट कवर करेंगे एन के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे पूरी एन बुक हम लगवाएंगे आपको ओके okay? इसके अलावा मैं अलग अलग रिफ्रेशर्स जो आपको करवाऊंगा वो आपको करनी पड़ेंगी वो रिफ्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिफ्रेशर का क्योंकि एन में प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो हमें रिफ्रेशर का सहारा लेना पड़ता है तो बात कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर टू की बिकॉज चैप्टर नंबर वन जो है बच्चों जिसका नाम है फिज़िकल वर्ल्ड फ़िज़िकल वर्ल्ड ये इसमें कुछ ज़्यादा करने का नहीं है इसमें ऐसे सवाल हैं वट इज़ फिजिक्स व्हाट इज़ केमिस्ट्री है ना और साइंटिस्ट uh, के बारे में पूछा गया है कि किसने क्या इन्वेंट किया इंडिया की तरफ से नोबल प्राइज़ किसने जीता ऑल दीज थिंग्स वेरी कॉमन थिंग्स आर देयर सो आई बिलीव दैट यू कैन प्रिपेयर ऑल द थिंग्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़

यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट ओके मोर बेटर यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट एंड एरर एंड एरर ओके यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट एंड एर तो सबसे पहले इस चैप्टर का पहला पार्ट हम जानेंगे यूनिट क्या होती है अभी आप यूनिट के बारे में शायद बहुत कम जानते हैं आप इतना बस जानते हैं कि कुछ चीज़ों की यूनिट क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे पूछूंगा मास की यूनिट क्या है तो आप बोलेंगे किलोग्राम मैं आपसे पूछूंगा लेंथ की यूनिट क्या है तो आप बोलेंगे मीटर या सेंटीमीटर बोल देंगे मैं आपसे टाइम की यूनिट पूछ लूँगा तो आप बोल देंगे सेकेंड बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यूनिट का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे कि सर जिस चीज़ को हम किसी टर्म में मेज़र करते हैं नापते हैं उसको हम मीटर मेट, बोलते हैं जैसे वेट को हम किलोग्राम में नापते हैं सर तो किलोग्राम यूनिट हो गई ऐसा कुछ आप जवाब दे पाओगे बट हम एकदम एक्यूरेट बात करेंगे कि फिजिक्स में यूनिट का मीनिंग क्या है ओके okay जी आगे बात समझ में तो हम यूनिट के बारे में बात करेंगे यूनिट के बाद डायमेंशंस तो आपको बिल्कुल नहीं पता है कि डायमेंशन क्या होती है आई बिलीव दैट दिस इज़ इंटायरली अ टर्म फॉर यू ओके डायमेंशन Uh, maybe if you have heard about the dimension then you can say yes sir i have heard about the one dimension two dimension and three dimension yes or no one dimension two dimension and three dimension because three d movies are very common nowadays three dimension movies yes or no in that movies we wearing a specs and see the views yes or no

हम चीज़ों की लेंथ मेज़र करते हैं हम चीज़ों का एरिया मेज़र करते हैं हम चीज़ों का मास मेज़र करते हैं हम चीज़ों का वेट मेज़र करते हैं हम चीज़ों का वॉल्यूम मेज़र करते हैं यस और नो सो ऑल दीज क्वांटिटीज जिनको हम मेज़र करते हैं दीस क्वान्टिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वान्टिटी दीस क्वान्टिटीज़ आर कॉल्ड तो हमारा पहला टॉपिक यही बनने वाला है हम सबसे पहले इस चैप्टर में फ़िज़िकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं सो यूनिट एंड मेजरमेंट में हम पहला जो हमारा टॉपिक है हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं राइट right? चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वांटिटी से क्वांटिटी <coughs> भाई क्वांटिटी होती क्या है क्वांटिटी होती क्या है क्वांटिटी को हिंदी में बोला जाए तो मात्रा हिंदी में क्या बोला जाए मात्रा ओके मात्रा मोर प्रिसाइजली मात्रा की बात करें सो इट इज कॉल्ड अमाउंट इट इज कॉल्ड अमाउंट वी हैव टू मेजर द अमाउंट ऑफ वी हैव टू मेजर द अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ व्हाट ओके वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ लेंथ वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ एरिया वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ ब्रेथ वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ प्रेशर वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ फोर्स वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ वेलोसिटी क्वांटिटी का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी सो लिखिए डेफिनेशन फर्स्ट क्वांटिटी एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी फर्स्ट थिंग एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी ऐसी कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्वांटिटी बोलते हैं तो इसीलिए फुल स्पीड में चलते हैं आपको लगे कंफर्टेबल कुछ लिखने लायक है तो लिखिए इट्स अप टू यू है ना मैं प्रेशर कभी बच्चे को नहीं करता हूँ कि उसे क्या लिखना है भाई तुम्हें पता है तो क्यों लिखोगे जो चीज़ नहीं पता है है ना सीखने आए छापने नहीं आए है ना कुछ नया लगे आपको कि हाँ मुझे नहीं पता सो एनी थिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल क्वान्टिटी तो अब मैं भी आपका जवाब होगा कि सर संसार में तो हर चीज़ नापी जा सकती है समझ गए ना अब याद रखिएगा हम मैटर को नहीं नापते हैं हम मैटर के इस कुछ चीज़ों को मैटर से रिलेटेड कुछ टर्म्स को नापते हैं वो टर्म्स होती फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बुक है ओके एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ़ सम मैटर यस और नो सो ये भी क्या है एक मैटर है क्या है ये मैटर है एवरीथिंग जो भी दुनिया में सब चीज है वो मैटर से मिलकर के बना है इट्स अब्सटैंस ओके ये एक सब्सटैंस है और इस सब्सटैंस में मैं इसका क्या मेजर कर सकता हूं मैं इसकी लेंथ मेजर कर सकता हूं मैं इसका मास मेजर कर सकता हूं मैं इसका वेट मेजर कर सकता हूं तो जिन चीज़ों को मैं मेजर कर सकता हूं दोज आर कॉल्ड क्वांटिटी दोज आर कॉल्ड क्वांटिटी आई यू समझे एनी थिंग दैट कैन बी मेजर इज कॉल्ड क्वांटिटी फिर सवाल उठता है कि सर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हो हैं कोई चीजें बताइए संसार में ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हैं सो मेनी थिंग्स आर देयर जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल थॉट्स फॉर एग्जाम्पल थॉट्स हेट हेटरेट लव अफेक्शन है ना मैं तुमसे ये नहीं कह सकता हूं कि मुझे तुम पर दस किलोग्राम गुस्सा आ रहा है समझ गए ना मुझे तुम पे पाँच लीटर प्यार आ रहा है सो so, कुछ क्वान्टिटीज हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हो सो सम क्वांटिटीज आर देयर दैट कैन डॉट डोज कैन नॉट बी मेजर्ड एंड दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड दीज क्वान्टज आर नॉट सपोज टू बी क्वांटिटीज ये जो टर्म है इनको हम क्वांटिटी नहीं कह सकते हैं बिकॉज इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं आई बात समझ में तो ये था क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन ओके okay? ये था क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी जो भी हमारे पास संसार में क्वांटिटीज हैं उनका हम मेजरमेंट करके कैसे शो करते हैं सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी क्यों है अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी अगर मैं उसको मेजर करके लिख रहा हूं कि समथिंग इस बॉल से इस बॉटल से रिलेटेड कोई क्वांटिटी आई डोंट नो मैं किस क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं यहां पे आपको रिवील नहीं कर रहा हूं कि मैं इसके मास की बात कर रहा हूं कि मैं इसके वॉल्यूम की बात कर रहा हूं कि मैं इसके लेंथ की बात कर रहा हूं मैं आपको इसके बारे में कुछ भी रिवील नहीं कर रहा हूं कुछ भी नहीं बता रहा हूं कि मैं कौन सी क्वांटिटी मेजर कर रहा हूं बट मैं एक क्वांटिटी मेज़र कर रहा हूं है ना तो मैं इससे इस, इस बॉटल से रिलेटेड एक क्वांटिटी क्यू है तो वो क्वांटिटी क्यू क्या होगी दैट क्वांटिटी क्यू इज़ लुकिंग लाइक एन इंटू यू एन इन टू यू कोई भी क्वांटिटी अपने पार्ट अपने आप में दो चीज़ रखती है एक उस क्वांटिटी की सम न्यूमेरिक वैल्यू इस क्वांटिटी की कुछ न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा वो रेफरेंस जिसमें आप उस क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हो वो स्टैंडर्ड जिसमें आप उस क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हो वो स्टैंडर्ड कहलाता है यूनिट क्या कहलाता है यूनिट फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो वाटर भरा हुआ है इसके अंदर भरे हुए वाटर को मैं नाप रहा हूँ तो मैं लिखूंगा कि आवर क्वांटिटी एंड माई क्वान्टिटी डिस टाइम इज वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ़ द वॉटर वॉल्यूम ऑफ द वाटर फिल्ड इन साइड दिस कैन ओके ओके ऑन दिस बॉटल सो वी इज इक्वल्स टू आई एम राइटिंग हियर फाइव हंड्रेड एम एल फाइव हंड्रेड एम एल ओके सो देखो बच्चे यहाँ पर एन एन का मतलब कितना है फाइव हंड्रेड और यूनिट कितना है एम एल है यस और नो मतलब एक न्यूमेरिक पार्ट है और एक कौन सा पार्ट है यूनिट पार्ट है सो so ये कहलाता है न्यूमेरिक पार्ट और ये क्या कहलाता है यूनिट पार्ट सो किसी भी क्वांटिटी को आप मेज़र करेंगे तो उसके दो पार्ट होंगे एक उसका न्यूमेरिकल पार्ट और एक उसका यूनिट पार्ट समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल पार्ट क्या बताएगा न्यूमेरिकल पार्ट ये बताएगा कि कि उस क्वांटिटी में यूनिट पार्ट कितने टाइम्स है कितने टाइम्स जैसे आपने किसी कपड़े को मेजर किया और कपड़े की मेजरमेंट आ रही है लेंथ इज इक्वल टू नाइन मीटर नाइन मीटर मींस इट इज कॉल्ड नाइन टाइम्स ऑफ वन मीटर मतलब एक मीटर लेंथ कितने बार प्रेजेंट है वहां पर नौ बार कितने बार प्रेजेंट है नौ बार ये क्लियर फीलिंग यहां पर आ रही है इस क्वांटिटी के मेजरमेंट की जैसे इस बुक का अगर मैं मास निकालूं इस बुक का मास अगर 250 ग्राम आए कितने ग्राम तो 250 ग्राम मींस इस बुक में वन ग्राम कितने टाइम्स प्रेजेंट है 250 टाइम्स समझ में आया बेटा सो इफ आई राइट हियर एम इज इक्वल टू टू ग्राम दिस मींस वन ग्राम प्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स टू फिफ़्टी टाइम्स आ गया समझ में सो ये न्यूमेरिक पार्ट होता है और ये इसका यूनिट पार्ट होता है इसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करने वाले हैं अब आइए बात करते हैं टाइप ऑफ क्वान्टिटीज़ टाइप ऑफ क्वान्टिटीज़ ये समझ में आ गया क्योंकि इधर यू कैन टेक ए स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो लिखना चाहो तो लिखना भी लिख भी सकते हो ओके एंड क्लास में वीडियोज़ तो अवेलेबल रहेंगे ही आई ओके सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप ऑफ क्वांटिटीज देखिए जी भाई क्वांटिटीज क्या होती है एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड ऐसी कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं क्वांटिटीज अब क्वांटिटीज में यदि स्टार्ट करते हैं तो जो हमें जानकारी है वैसी क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करती है मैथ्स में यूज़ होने वाली क्वांटिटीज क्या मैथमेटिकल क्वांटिटीज फ़िजिक्स में यूज़ होने वाली क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी फिजिकल क्वांटिटीज यस और नो और केमिस्ट्री में यूज़ होने वाली क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी केमिकल क्वांटिटीज मतलब मैथ्स को एक्सप्रेस करने के लिए मैथ्स को पढ़ने के लिए कुछ अलग चीज़ें हैं नंबर्स हैं वेरिएबल्स हैं तो ये सारी क्या है मैथमेटिकल क्वांटिटीज है फिजिक्स को पढ़ने के लिए कुछ अलग अलग चीजें हैं भाई किसी सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो पढ़ने के लिए टर्म होंगे कि नहीं होंगे कुछ टर्म तो वह स्पेसिफिक टर्म फिजिक्स में क्वांटिटीज है केमिस्ट्री में अलग है तो मैं यहां पर एक छोटा सा क्लासिफिकेशन आपको दिखा रहा हूं आपकी फीलिंग बैठेगा कि टाइप ऑफ क्वांटिटीज में मैथमेटिकल क्वांटिटी यहां पे बात करूंगा फिजिकल क्वांटिटी ओके फिजिकल क्वांटिटी मैथमेटिकल क्वांटिटी में दो तरीके की क्वांटिटी अपन समझ सकते हैं मैथमेटिक्स में दो तरीके की क्वांटिटी है एक ब्रॉडवे क्लासिफिकेशन एक कॉन्स्टेंट सेकेंड इज वेरिएबल कॉन्स्टेंट मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स मैथमेटिक्स में नंबर्स जो होते हैं वो कभी वैल्यू अपनी नहीं बदल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल पाई पाई इज इक्वल टू थ्री पॉइंट वन फोर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू बोलो याट इज अन्सटेंट दैट इज अ ऐसी so, वैल्यूज़ नहीं बदल सकती हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट मैथमेटिकल क्वांटिटीज़। अगर हम वेरिएबल की बात करें सो सपोज योर एज इज एक्स योर एज इक्वल टू कितना बेटा एक्स हर समय बदल रहा है आप जितनी एज पिछले सेकेंड में थी अब आपकी एज एक सेकेंड बढ़ चुकी है आपकी एज हर सेकेंड बढ़ रही है बोलो यस और नो तो ये दैट इज वेरिएबल तो ये वेरिएबल क्वांटिटीज हैं इनको किनारे करते हैं ये हमारे काम की नहीं है मेन हमारे काम की फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो सवाल आता व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज तो एक गंदा सा आंसर द क्वांटिटीज दोज आर इन फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज एक मतलब गंदी सी डेफिनेशन अच्छी डेफिनेशन क्या बोली जा सकती है इसकी है ना द क्वांटिटीज बाई विच वी कैन एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल फिजिकल फिनमिन वेरियस फिजिकल एंड फिजिकल equations एंड फिजिकल इक्वेशन फिजिक्स को पढ़ने के लिए फिजिक्स के equations को दिखाने के लिए हम जिन क्वांटिटीज का इस्तेमाल करते हैं हम जिन क्वांटिटीज की मदद लेते हैं वो क्वांटिटी क्या कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटी बट याद रहे उन क्वांटिटी को मेज़र किया जा सकता हो क्योंकि क्वान्टिटी वर्ड है क्वान्टिटी वर्ड है मतलब क्वान्टी का मतलब अमाउंट उनमें अमाउंट जुड़ा होना चाहिए और अमाउंट मतलब समथिंग मिजरेबल समझ में आया ना तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए फिजिक्स को समझने के लिए फिजिक्स की फिनमिनन्स को डिस्क्राइब करने के लिए फिजिक्स के इक्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जिन टर्म्स की जरूरत पड़ती है उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी फॉर एग्जांपल आप इस पंखे की हवा के नीचे बैठे हैं आपको हवा लग रही है दैट इज अ फिजिकल फिनोमिनन हवा लगना क्या है फिजिकल फिनोमिनन हवा लगने के बाद भी आपको पसीना आ रहा है इट्स अ फिजिकल फिनोमिनन अब इन फिजिक्स अगर आप इस प्रोसेस इस को एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे फिजिक्स के टर्म में आप क्या क्या कहेंगे इसमें तो आप बताएंगे कि पंखा घूम रहा है देयर इज अ रोटेशन तो रोटेशन में विंड स्पीड है क्या है बेटा विंड स्पीड तो विंड स्पीड पकड़ लिया अपन ने सो स्पीड इज अ फिजिकल टर्म दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी अब विंड स्पीड का एक प्रेशर बन रहा है हमारे ऊपर हवा का हवा का क्या बन रहा है प्रेशर पकड़ लो भाई प्रेशर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हम चल रहे हैं हम चल रहे हैं तो हमारे पास वेलोसिटी है दैट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी सो मतलब क्या है कि इन आवर नेचर टू एक्सप्लेन एनी फिजिकल फिनमिनन वी नीड सम टर्म्स टू डिस्क्राइब दैट फिजिकल फिनमिनन एंड दोज टर्म्स दैट आर मेजर्ड दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज सेकेंड थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वेश हैव सो मेनी इक्वेश इन फिजिक्स अभी तक हम क्लास एलेवेंथ में हम जानते नहीं उन्हें कैसे लगाना है बट हमने बचपन में पढ़ रखा है क्लास नाइन्थ में कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं लाइक वी हैव वेरी रिनोन टाइप ऑफ इक्वेशन लाइक वी इक्वल टू यू प्लस ए टी यस और नो एस इक्वल टू यू यू टी प्लस आफ ए टी स्क्वायर वी हैव सच लाइक ऑफ इक्वेशन वी हैव द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशन okay f equal to gm1 m2 upon r square yes what are these these are physical equations why these are physical equation as they containing the equal sign so these are physical equation okay now these are physical equations to to write these physical equation we require some terms we require some टर्म्स हमें कुछ क्वांटिटी ये जो टर्म है जिनमें आप इस इक्वेशंस को लिख रहे हो जो इनमें यूज़ कर रहे हो एक्सप्लेन कर रहे हो इक्वेशंस को ये जो टर्म यहाँ पर आ रहे हैं ये टर्म क्या है फिजिकल क्वांटिटी है सो so आप समझ रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को पढ़े बिना हमारी फिजिक्स की ए बी सी डी की भी शुरुआत नहीं होगी जब बच्चा इंग्लिश सीखने जाता है तो सबसे पहले उसे अल्फ़ाबेट बनना चाहिए क्या बनना चाहिए अल्फाबेट क्योंकि अल्फाबेट बनेगा तभी वो वर्ड्स uh, बना पाएगा वर्ड्स बना पाएगा तो सेंटेंस बना पाएगा ये ऑन नो तो ऐसे ही फिजिक्स में फिजिक्स को शुरुआत करने के लिए जो उसकी बेसिक फंडामेंटल है वो है फिजिकल क्वांटिटीज सो दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज़ ठीक है जी नोट कर लीजिए इसको स्क्रीन ले लीजिए एज यू वॉन्ट ठीक है ना आगे चलते हैं अब आता है टॉपिक हमारा टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यू हैविंग सम नोट्स आपने कल बनाए क्या नोट्स जो मैंने भेजे उससे बनाए क्या आपने ये सब ओके नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हाँ क्या बता सकते हैं आप मुझे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं बेसिकली अब हम फिजिकल के अंदर मैं बाकी से मतलब नहीं है बताइए फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं

बाद में उसका नाम पड़ा कि अल्फाबेट ए पे नाम पे बच्चे सारे अमन अतुल अवशोक अविनाश ये हो गए वो हो गए बी नाम वाले ये हो गए हाँ या ना मगर सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या तो वो मेल है या तो वो फीमेल है तो सबसे पहले इसका बेसिस ऑफ ओरिजिन बनी कैसे फंडा क्वांटिटी बनी कैसे तो बनने के आधार पे क्लासिफिकेशन होगा तो दो तरीके की क्वांटिटीज निकलेंगी फिजिकल क्वांटिटी पहला कहलाएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा कहलाएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया बोलो फर्स्ट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी सो वॉट आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन आवर इंडियन मेथोलॉजी देयर आर टू टाइप्स ऑफ गॉड भगवान दो टाइप के हैं एक सेल्फ एग्जिस्टिंग गॉड जिनको किसी ने पैदा नहीं किया है है ना और दूसरे ऐसे गॉड हैं जो रिलेटिव वाले गॉड हैं है ना ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है जो हमको फिजिक्स में रिलेट करता है फिजिक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जो सेल्फ कंप्लीटेड हैं सेल्फ एग्जिस्टेबल हैं उनका कोई माई बाप नहीं है उनके कोई मम्मी डैडी नहीं है ऐसी क्वांटिटीज को फिजिक्स में बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज एग्जाम्पल मास क्या आपने कभी मास का फॉर्मूला पढ़ा कि मास का फॉर्मूला समथिंग मल्टीप्लाई बाई समथिंग इक्वल टू मास नो आपने वेलोसिटी का पढ़ा फॉर्मूला कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब स्पीड बनाने के लिए डिस्टेंस और टाइम होना चाहिए यस और नो मगर आपने कभी पढ़ा कि मास इक्वल टू समथिंग इन टू डिवाइड बाई समथिंग नो मतलब मास खुद में कंप्लीटली डिफाइन है इसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है है ना लाइक ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव इनको किसी दूसरे का सपोर्ट डिफाइन होने के लिए नहीं चाहिए नॉट लाइक गणेश भगवान जी गणेश भगवान बनाने के लिए शिव एंड पार्वती दे आर इ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गणेश ये सोनो सो एग्जैक्टली लाइक दिस हियर फैन ओके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच आर सेल्फ एग्जिस्टिंग क्वांटिटीज ओके दे आर नॉट मेड बाई एनी अदर क्वांटिटीज और कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ओके सो अर्लियर अलग अलग अभी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं मॉडर्न टाइम में फिजिक्स को जो यूनियन गवर्न कर रही है दैट इज़ एस आई क्या नाम है एस SI, आई ये नाइनटीन सिक्सटीज़ के बाद से एग्जिस्टेंस में है ओके okay, एंड इसका जो कार्यालय है वो अपना यूरोप में वर्स के पास में है ओके okay, एक शहर है वर्स है ना आई थिंक स्विट्जरलैंड इटली के आसपास कहीं पर आता है तो ऐसे केमिस्ट्री का भी है एक आई आपने नाम सुना होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री की सबसे बड़ी संस्था है जो वर्ल्ड वाइड केमिस्ट्री को कंट्रोल करती है ऐसे फिजिक्स को कंट्रोल करने वाली वर्ल्ड वाइड संस्था है एस SI. आई क्या नाम है एस SI. आई तो एस SI आई ने सजेस्ट किया नाइनटीन में कि हम सेवन फंडामेंटल यूनिट को मान्यता दे रहे हैं कितनी यूनिट को हम हम सेवन यूनिट को फंडामेंटल मान रहे हैं जिसमें ओके सॉरी फॉर दिस इंस्ट्रक्शन ओके गाइज सो अभी यहाँ पर जो है क्लासेस थोड़ी सी रुक जाएंगी क्योंकि लाइट यहाँ पर नहीं है ठीक है थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करते हैं